हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में बैक नेक के पैटर्न की हमने कटिंग देखे थे, अब हम इसको ब्लाउज पे कैसे स्टिच करते हैं वो देखेंगे। तो जो हमने कैनवास कट किया है और उसको हमने ये कपड़ा जॉइंट किया है, उसको हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम यहाँ पे सेंटर पे नॉच लगा के उसको यहाँ पर सेंटर में बराबर रखेंगे। ये जो हमारा सेंटर है और बैक पार्ट का सेंटर है उसको हम बराबर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बराबर रखने के बाद हम उसको पिन लगाएंगे। पिन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे का जो बैक पार्ट है वो हिलेगा नहीं। इस तरह से हम सेंटर में रखने के बाद पिन लगाएंगे। इस तरह से पिन लगाने के बाद हम इसको यहाँ से साइड से सिलाई देंगे। इस तरह सिलने के बाद हम यहाँ से थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसको कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको अंदर की ओर से थोड़ा नॉच लगाएंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको हम इस तरह से कैनवास को थोड़ा फोल्ड करके सिल देंगे। इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके इसको सिलाई दे देंगे। इस तरह सिलने के बाद अब हम इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये होने के बाद हम यहाँ से ऊपर की ओर एक सिलाई देंगे फिनिशिंग के लिए।
सिलाई देने के बाद अब हम इसको ऊपर से इस तरह से लेस लगा के इसका डिजाइनर जैसा ब्लाउज बना देंगे। तो हम यहाँ से जो नेक जैसा है उसका वैसे हम उसको शेप में ये लेस लगाएंगे। आप चाहे तो लेस को भी पिनअप करके उसको सिलाई दे सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस निकल देंगे। अब हम दूसरे साइड से भी उसको सिलाई देंगे। ये ब्रॉड लेस है इसलिए हम दोनों तरफ से इसको सिलाई देंगे। इस तरह से लेस लगाने के बाद मेरे पास ये रेडीमेड डोरी है और ये लटकनी, इसको हम यहाँ जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ के यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से लगाएंगे 1 इंच छोड़ के। इस तरह से बैक नेक का डिज़ाइन तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।